माय नेम इज़ रणबीर सिंह, जनरल सेक्रेटरी कन्फेडरेशन रिटायर्ड पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन। जी, क्या जैसा मुद्दा है आप लोग प्रेस क्लब में मीटिंग रखी है आपने? जी, आज जो है देश भर के केरला से लेके कश्मीर तक के लोग, आज हमारे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, पैरामिलिट्री वेटरन्स जिनको अर्धसैनिक बोलते हैं, आज यहाँ प्रेस क्लब दिल्ली के दिल में हाजिर हुए अपनी जायज़ मांगों को लेकर के। जैसे जायज़ मांगे, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी आपने कल भी सुना, अक्सर बोलते हैं कि भाई हमने सेना को वन रैंक वन पेंशन दे दिया, हमारे साथ दिवाली हमारे साथ में बराबर मनाते हैं, उनको सैल्यूट और सलाम। कि पीछे भी उन्होंने गुरेज सेक्टर में दिवाली मनाई, बीएसएफ आईटीबीपी के जवानों उससे पिछले साल मनाई, सेना का को वन रैंक वन पेंशन का बनंजा देने की बात कहते हैं। प्रधानमंत्री जी भूल जाते हैं कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों की तो पेंशन ही नहीं है। आफ्टर 2004 देश की संसद को सीआरपीएफ ने बचाया था, अगर हम ना होते तो ये संसद नेस्तनाबूद हो जाती। तो फिर ये कैसा भेदभाव? क्या प्रधानमंत्री जी को मालूम नहीं कि एसपीजी, एसडीजी, एनएसजी, आरएफ, एनडीआरएफ, कोबरा, ये हमारे ही अर्धसैनिक बलों के सिस्टम विंग है जिनके बल बूते पर सरकार बड़े बड़े अभियानों का दम भरती है सफल बनाने के लिए। तो चाहेंगे कि अब सवाल केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान जो देश की 15,000 किलोमीटर की चाक चौबन चौकसी करें, सेना थोड़ी करती, सेना तो बैरिक्स में होती है ना सर। बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के जवान बॉर्डर्स की चाक चौबन चौकसी कर रहे हैं बर्फीले हिमालय से लेकर। आए दिन जवानों के बीएसएफ के नरेंद्र का सिर काटा गया तो वो बीएसएफ का जवान था, अभी 40 जवान शहीद हुए। इससे पिछली होली में आपने देखा होगा सीआरपीएफ के जवान होली के दिन शहीद हुए, 76 जवान। कारगिल में इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ, हमारे जवान चिंतलनार में शहीद हुए थे मैम। फिर हमारे को तो शहीद का दर्जा ही नहीं, हमारे जवानों को पेंशन नहीं। 10 जनवरी को आपकी माध्यम से आवाज़ पहुंचे कि रणबीर कपूर, रणबीर सिंह, आलिया भट्ट प्रधानमंत्री जी से प्रधानमंत्री कार्यालय मिले, और उन्होंने उठा के प्रधानमंत्री जी ने मूवी टिकट के ऊपर जीएसटी माफ़ कर दिया। अच्छी बात, जो सरहद के सिपाही हैं उनकी जो सेंट्रल पुलिस कैंटीन है जो जीएसटी के चलते आज मार्केट रेट पे आ गई, जिसके बारे में 29 जून 2017 को माननीय गृह मंत्री जी ने चिट्ठी लिखी कि भाई इनको माफ किया जाए, इनकी कंटीन पे भी जीएसटी माफ होना चाहिए जैसा सेना की सीएसडी कंटीन पर माफ। आज तक उस चिट्ठी का कुछ नहीं हुआ। अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड जो 2012 में गवर्नमेंट ने 23 नवंबर को आदेश निकाला कि भाई अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड हर स्टेट में हो, आज तक वो गोवा को छोड़ के किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। जो गोवा में जब सीआरपी का या बीएसएफ का कोई जवान ही नहीं है तो ये ढकोसला। और दूसरी चीज़, ना हमें एक्समैन का दर्जा, ना हमें पैरामिलिट्री सर्विस पे जिसका गवर्नमेंट ने देने का ऐलान किया था, खाली मरते रहो प्यारो फोकट। आज जो मीटिंग हुआ है इसमें क्या लास्ट में क्या परिणाम निकला है क्या? आज जो हमारी पैरामिलिट्री महापंचायत जो यहाँ इकट्ठी हुई प्रेस क्लब में, ये ऐलान हुआ कि वोट ना तो सांपनाथ को और ना ही नागनाथ को, वोट देंगे नोटानाथ को। दूसरी चीज, वोट उसी राजनीतिक पार्टी को जो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की जायज मांगों को अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करे। आपने देखा होगा पिछली बार भी हमने नोटा का ऐलान किया था तो 3 स्टेट में बोला बलम तो है ऐसा मारूंगी, 3 स्टेट में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जहाँ हमारे लाखों परिवार हैं। हम लोग 20 लाख पैरामिलिट्री देश की कुल आबादी का 5% आने वाले इलेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। फिर से वोट उसी को जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल की जायज मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करें, ये ऐलान हुआ आज। थैंक यू सो मच। केरला का जनरल सेक्रेटरी है, मेरा नाम जॉर्ज सीवी, मैं केरला में कोटायम का रहने वाला हूँ। मैं वहाँ से इस प्रेस क्लब में, ये जो प्रेस मीटिंग में इसलिए आया है कि जो है पिछले 5 साल में सरकार जो राज किया है, इन्होंने राज्य में आने के 2014 में जो है वादा किया था, 2014 में वादा किया था हम अगर सत्ता में आ गया तो पूरे फैसिलिटी जो यूपीए गवर्नमेंट आपको नहीं दिया है वो पूरा हम देंगे, सैनिक के तौर पर, सैनिक के दर्ज पर पूरा फैसिलिटी देंगे। मगर फैसिलिटी देना तो दूर रह गया, दूर की बात है। हम लोगों से हमारा बात सुनने के लिए प्रधानमंत्री राजी नहीं है,
ये प्रधानमंत्री हम लोगों का दर्द सहन वो महसूस करने के लिए राजी नहीं है। हमारा जवान 40 पुलवामा में मर गया, उनका एक मांस का टुकड़ा भी नहीं मिला, उनके घर वालों को देखने को नहीं मिला। केरला में बीबी वसंत कुमार का बॉडी पहुंच गया, हम वहाँ भी मौजूद थे कि उनका बीबी को उसको एक दफ़ा देखने के लिए मौका नहीं मिला। ऐसे दुर्घटना घटी है, ये उसके बावजूद भी इन्होंने ऐलान किया कि हम सेना के तौर पर सब कुछ देंगे। क्या देंगे जब हमारा CCS पेंशन रूल का अंदर हमारा जो है ये हमारा जो एक्ट है वो CCS पेंशन रूल का अंदर हमारे को पेंशन दिया जा रहा है, तो ये कहाँ से MRTS दर्जा देगा? ये तो ऐलान करना है, ऐलान ही है का कुछ नहीं करना है। MRTS दर्जा हमको देना है तो हमारा जो CCS पेंशन रूल से हमको बहाल किया जाए, अर्ध सैनिकों को CCS पेंशन रूल से बहाल करके अर्ध सैनिक पेंशन रूल लाया जाए और सैनिक तर्ज पर जो है पूरा फैसिलिटी हमको दिया जाए। क्योंकि सैनिकों को केवल जो है ये फंडामेंटल राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स हनन होता है वो सैनिकों को केवल नहीं है, अर्ध सैनिकों का भी फंडामेंटल राइट्स हनन होता है। उसका एक मुआवजा है जो फैसिलिटी हम दिया जा रहा है, वो फैसिलिटी केवल आर्मी नेवी एयरफोर्स को देने से बाकी CRP BSF ITBP SSP CIA सब आसान नहीं मिली। ये 6 पार्टियां कहाँ जाएंगी? सर BSF को भी पेंशन नहीं दे रहे, किसी को भी नहीं है। 2004 से किसी को पेंशन नहीं दे रहे हैं। और ये जो अगर क्यों ऐसे किया जा रहा है, क्योंकि हमारे लिए जो लड़ने के लिए हमारा जो DG साहब है वो तैयार नहीं है, वो इसलिए तैयार नहीं है, वो सिविल पुलिस का IPS कैडर से आता है, उनको जो है अपना राज चलाने की वो चाहता है, वो जवानों को दर्द उनको मालूम नहीं है, वो जवान के साथ रूटी नहीं किया है उनको जवान, मगर आर्मी का जो ऑफिसर है वो कैप्टन रैंक में भर्ती होता है, DG रैंक में, उसका जनरल रैंक में रिटायर होता है, तो क्या होता है वो जवान का साथ रहता है, जवान का हर परेशानियों को महसूस करता है, हर प्रॉब्लम को समझता है, जवान कैसे जी रहे हैं कैसे ड्यूटी कर रहे हैं ये सब उनको मालूम है। तो इस वजह से वो सरकार से लड़ाई करता है कि जवान को ये फैसिलिटी चाहिए, जवान को ये तनख्वाह चाहिए, जवान को ये पेंशन चाहिए, जवान को घर में माँ बाप है उनको इलाज के लिए सुविधा चाहिए, उनका बीबी बच्चा है उनको पढ़ने के लिए हायर स्टडीज़ के लिए या हर जगह उनको प्रायोरिटी चाहिए, ये प्रायोरिटी पूरा उन लोग देता है, मगर अर्धसैनिकों का DG जो है पूरे सिविल पुलिस का कैडर से आता है उनको इस स्पोर्ट्स का कोई लेना ना देना है, इसीलिए वो मांग वो करता नहीं। एक भी परिवार और एक भी अर्धसैनिक का परिवार से एक वोट भी ऐसे करने वाला सरकार को मिलेगा नहीं, मिलना नहीं चाहिए, ये हमारा इस पंचायत का वादा है और इस पंचायत का निर्णय है। जय हिंद। मैं ऑल इंडिया पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन से हूँ और मैं जम्मू कश्मीर से इस एसोसिएशन का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। हम यहाँ पे आज जो इकट्ठे हुए हैं, हमारी सरकार से बहुत सारी डिमांडें हैं, बहुत सारी मांगें हैं जो हमने सरकार से करनी है, और उसमें सबसे बड़ा मामला हमारा है 1-1 पेंशन का। उसके बाद 2004 के बाद जो हमारी पेंशन हुई बंद हो गई उसके बारे में है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि 1939 में अंग्रेज़ों के टाइम में हमारी CRPF जो है वजूद में आई, हिंदुस्तान की एक फोर्स बनी जिसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स। उस वक्त जो इसका रूल बना उसमें इसकी पेंशन थी और हमारे जवानों को पेंशन मिलती रही। क्या कारण था कि 2004 में पेंशन आप लोगों की हटा दी? हम वही बता रहे हैं आपको कि उस टाइम एक कानून कायदा बना उसमें इनकी पेंशन थी। उसके बाद 1965 में या 66 में BSF आई, उनकी पेंशन थी, जो कानून कायदा बना उसमें उसकी पेंशन थी। उसके बाद में ITBP, CISF, असम राइफल, ये सारी फोर्सें आती गई, सबसे पुरानी इसमें CRPF थी। तो 2004 में इन्होंने उस चीज़ को हटा के जो उस टाइम हमारे रूल्स बने थे उसको इन्होंने इम्प्लीमेंट किया और 2004 से हमारे जवानों की पेंशन बंद कर दी। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि अगर पेंशन बंद करने में जवानों का फ़ायदा है तो जो हमारे MP MLA हैं वो अपनी पेंशन बंद क्यों नहीं करते हैं? उनको भी अपनी पेंशन बंद करनी चाहिए। इसके अलावा हम सेना की या अर्धसैनिक की बात करें, 1939 से लेकर आज तक 5 लड़ाइयाँ जो हैं वो CRPF ने बॉर्डर पे लड़ी हैं। 1947 में देखिए जो हुआ CRPF ने संभाला, 1965 में CRPF बॉर्डर पे थी, 1962 में हॉट स्प्रिंग का मामला चाइना के साथ हुआ, वहाँ पे हमारे 9 शहीद हुए। उसके अलावा 71 की लड़ाई में
ये हटने के बाद में अगर हम देखें तो अंदर की जो लड़ाई है 24 घंटे की लड़ाई, उसमें हमारे जवान मरते हैं, लेकिन फिर भी सरकार के कान के ऊपर जो नहीं रिंगती है कि आया ये जो लोग 24 घंटे इतनी बड़ी ड्यूटी कर रहे हैं, इनकी हम पेंशन क्यों बंद करें। आज आपने सुना होगा कि पुलवामा में हमारे जो है 44 आदमी शहीद हो गए, हम तो शहीद भी नहीं कह सकते हैं, हम तो ये कहते हैं कि वो मर गए। 76 आदमी CRPF के झारखंड में हुए, इसी तरह से इन्होंने उनको जबान से कहते हैं, जब स्टेज पे आते हैं किसी मकाम पे आते हैं तो कहते हैं कि शहीद है, मेरिटरी है, शहीद है, शहीद है, शहीद है, लेकिन रिकॉर्ड में या बेनिफिट के नाम पर उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सुविधा नहीं है। अब मान लीजिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि एक ही जगह में जब ऑपरेशन चलते हैं तो उसमें आर्मी का जवान भी होता है, CRPF का जवान भी होता है, BSF का जवान भी होता है, CISF का जवान भी होता है। एक मिलिटेंट उड़ता है, जब वो ब्रेस्ट फायर करता है या फायर करता है तो वो उन सभी जवानों को शहीद कर देता है। जब वो सब जवानों को गोली लग जाती है वो शहीद हो जाते हैं, और उसमें सिर्फ आर्मी वाला शहीद होता है, बाकी जो है किसी फोर्स का आदमी शहीद नहीं माना जाता है। हम सरकार से ये कहते हैं कि अगर आप में ये मामला है, हमारा हक है, अगर आप आर्मी को दे रहे हैं तो हम भी हिंदुस्तान वाले हैं, हमें भी दें, हम भी आंतरिक सुरक्षा करते हैं, अंदर की जो जितनी भी हमारी ड्यूटियां हैं वो हम करते हैं। इलेक्शन में देखिए जहां भी जाना हो 24 घंटे तैयार रहते हैं। और सबसे बड़ा मामला कि जब तक सरकार हमारा जो SRO है वो चेंज नहीं करेगी, हमें बेनिफिट नहीं हो सकता है। हमें सिविल सर्विस के साथ लगाया हुआ है, जो सिविल सर्विस है उन लोगों के साथ में सब चलता है, और वो लोग 6 घंटे या 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, लेकिन हमारा जवान जो है वो 24 घंटे का नौकर है। 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद कभी उसको छुट्टी मिलती है, और अगर ना मिले तो वो कभी कभी अपने बाल बच्चों से मिलने के लिए सुसाइड भी कर जाता है, मजबूर हो जाता है। लेकिन फिर भी सरकार ने हमारे वेलफेयर के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया है, ना कोई रिलेशन कोटा है, ना कहीं एजुकेशन में कोई हमारी जगह है। वहाँ पर भी जहाँ पर जाके देखेंगे तो सिफारिशों से बाहर से सिविलियन से आके आ जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे वहाँ पर पढ़ नहीं सकते हैं। हमारा सरकार से यही कहना है कि हमारी इन मांगों को जल्द अज जल्द सरकार पूरा करे, और अगर सरकार नहीं करेगी तो हमें मजबूरन एक अगला जो कदम है वो सख्त कदम उठाना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को वाजह तौर पर कहेंगे कि वो पैरामिलिट्री की फ़ोर्स की नौकरी करना छोड़ दें, जो भी जाएं या सिविल में सर्विस करें या फिर आर्मी की सर्विस करें। इससे